नई शिक्षा नीति के तहत हमीरपुर NIT संस्थान में शुरू की गई मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट प्लान के तहत अब हमीरपुर NIT के साथ NIT जलंधर और NIT सिक्किम को भी साथ में जोड़ा जाएगा और तीनों संस्थानों के छात्रों का एक एकेडमिक बैंक तैयार होगा, जिससे छात्रों को किसी भी कारणवश पढ़ाई छोड़ने के बाद छात्र इन तीनों में से किसी भी एक संस्थान में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। NIT के कार्यकारी डायरेक्टर प्रोफेसर ललित अवस्थी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा नई शिक्षा नीति को बढ़ावा देने के चलते अब NIT के द्वारा भी मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट प्लान के तहत काम करना शुरू किया है। एक हमने वर्कशॉप की थी NIT सिक्किम के डायरेक्टर थे उसमें, तो NIT हमीरपुर जो है दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंस्टीट्यूट कि हम वी वर फर्स्ट टू हैव मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऑनरेबल पोखरियाल जी हमारे मंत्री हैं उनका इनिशिएटिव है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का, तो उसमें ये हमने पहल करके इसको शुरू किया। लेकिन उसमें प्रावधान ये किया गया था कि आप NIT हमीरपुर से पास होकर के या यहीं से एग्जिट लेके फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में फिर आप वापस यहीं ज्वाइन कर सकते थे। तो अब NIT सिक्किम या NIT जलंधर, दोनों NITs को अगर हम इकट्ठा करके हमीरपुर के साथ तीन NITs, तो एक कंसोर्टियम टाइप हो जाएगा। तो उसमें कोई भी बच्चा इन तीनों NIT से अगर कोई एग्जिट करता है तो किसी और NIT में, मतलब अगर हमीरपुर है तो जलंधर में या जलंधर है तो सिक्किम में, तो वो एडमिशन ले सकता है। एक साल बाद भी ले सकता है, दो साल भी बाद भी ले सकता है। उसके लिए हमने एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स वो भी इन सभी संस्थान पर इंस्टीट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर अवस्थी ने बताया कि नए सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए NIT हमीरपुर पूरी तरह से तैयार है और जैसे ही JEE मेन और JEE की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संस्थान भी देशभर के अन्य NIT की तर्ज पर प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेगा। उन्होंने बताया कि NIT में प्रवेश सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत किया जाता है, जिसमें छात्र अपनी रैंकिंग के हिसाब से किसी भी संस्थान में प्रवेश में आवेदन कर सकता है। गौरतलब है कि NIT हमीरपुर ने गत वर्ष ही मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री प्लान शुरू किया है, जिसके तहत अब छात्र किसी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ता है या फिर आधी पढ़ाई कर पाता है तो उसको विभिन्न प्लान के तहत सर्टिफिकेट, डिप्लोमा आदि देने का प्रावधान किया गया है। अगर छात्र फिर से पढ़ाई शुरू करना चाहता है तो छात्र आवेदन भी कर सकता है। NIT हमीरपुर, जैसा कि आपको आइडिया है, ये 31 NITs में एक NIT है, तो NITs की जितनी भी एडमिशन्स हैं वो सेंट्रल काउंसलिंग बोर्ड के थ्रू होती हैं और JEE के थ्रू होती हैं, तो उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जैसे ही ये JEE वाला प्रोसेस कंप्लीट होता है और उस पोर्टल में एडमिशन शुरू होती हैं, तो NIT हमीरपुर के विचार में भी छात्र एडमिशन लेंगे सेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू।